हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एस्टा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हम सभी लोग एसएससी सीजीएल टीयर टू के लिए एकदम भयंकर तरीके से कमर कस लिए हैं किसी भी प्रकार की कसर हमें नहीं छोड़नी है इस बार कुछ भी हो जाए इंग्लिश में फोर्टी फाइव क्वेश्चन को 45 में ही चेंज करना है हमको 40 में नहीं 45 में चेंज करना है यह मेरा आपसे वादा है अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको 45 में से 45 लाने में से कोई नहीं रोक सकता यह मैं दावे के साथ कहता हूं आप एनडीए देख ही लिए होंगे आप एसएससी एस सी सीजियल टीयर वन आप देख लिए होंगे जिसमें आपको कुछ एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है तो चलिए एक बार जल्दी से फटाफट आप सभी लोग अपने दोस्तों से हमारा यह वीडियो शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए फटाफट दोस्त जोड़ लीजिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको लिए ये रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम्स में ठीक है जी क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप भी हमारे साथ मेहनत करें तभी हम लोग फोर्टी फाइव आउट ऑफ फोर्टी फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे टीयर टू में ठीक है जी इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं आज इन ब्लैंक्स की पहली क्लास है कैसी क्लास है आज फर्स्ट क्लास है अब हम नियर अबाउट थ्री हंड्रेड क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करा है इसीलिए इन्हीं के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ठीक है जी चलिए मेरे दोस्त देखते हैं आइए फटाफट फड़ समझते हैं यू मस्ट इंश्योर आप श्योर sure ही सुनिश्चित करा सकते हैं द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर ड्रॉइंग टू मतलब कंक्लूजन पर आने से पहले क्या कहां पर निष्कर्ष पे आने से पहले आपको सही या गलत को सुनिश्चित कर लेना चाहिए इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि सही है कि गलत है तो बेटा ड्रॉइंग होगा इनेबलिंग होगा लीनिंग होगा जंपिंग हो जाएगा बेटा जंप टू कंक्लूजन का मतलब होता है अंतिम निष्कर्ष पर आना किस पे आना लास्ट निष्कर्ष पे अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता पहुंचना लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचना ठीक है जी तो चलिए मेरे दोस्त आ जाइए ऑप्शन डी हो गया अगला बता दीजिए द फ्लड वॉटर कैसा वॉटर द फ्लड वॉटर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड एंटर्ड हाउसेस इन सेवरल पार्ट ऑफ द स्टेट अक्सर देखिए मेरे दोस्त इसका मतलब क्या होता है जानते हैं कि जो फ्लड का पानी है इतना ज्यादा बढ़ गया है इतना फ्लो मार रहा है फ्लो के लिए यूज करते हैं बार्गेन मतलब मोल भाव करना रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना होता है इनडेटेड का मतलब होता है उफान मारना तो इनडेटेड तो क्लियर हुई एग्रीकल्चर फील्ड इनडेट मतलब होता है नष्ट कर देना या फिर उसको डुबा देना होता है एंड एंटर्ड हाउसेस इन सेवरल पार्ट ऑफ द स्टेट और क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट के सेवरल पार्ट में क्या हो गया है पानी प्रवेश कर चुका है ठीक है जी अगला सारा बताइए आप सभी लोग क्या कह रहे हैं द जरा बताइए द ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल सोसाइटी टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज अ कंपनीड बाई वॉर किससे वॉर तो इसमें क्या होगा एडजस्टमेंट ऑफ अवर सिविलाइजेशन माइग्रेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन रूट ऑफ आवर सिविलाइजेशन मेटा फॉर मेटा मोरफोसिस, मेटा मोरफोसिस ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोसाइटी मतलब क्या होना धीरे धीरे संकुचित होते जाना जो हमारा अपना भारतीय संस्कृति है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है कम होती जा रही है संकुचित होती जा रही है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे मेटा मोर फोसिस मेटामोरफोसिस ठीक है जी माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना एडजस्टमेंट जानते हैं, रूट जानते हैं चला बताइए अगला, असर असर अस, हम लोगों को दिखाता है जरा बताइए वेयर हाउ टू टेक फोटोग्राफ्स की वेयर टू सिट मेरे दोस्त असर एक प्लेस को बताता है और प्लेस के लिए हमेशा हम लोगों को क्या यूज करना होता है वेयर का यूज करना होता है किसका वेयर का यूज करना होता है बात क्लियर हुई कि नहीं तो यहां पे आपको यूज करना है वेयर वेयर टू तो सीट हिज वाइफ हैज ट्विन, हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग वन फ्रॉम द अनदर वन फ्रॉम अनदर। वन फ्रॉम द अदर वन फ्रॉम एन अदर ईच अदर हु मेरे दोस्त हो जाएगा डी ऑप्शन कैसे मेरे दोस्त कोई कोई मतलब उसकी वाइफ जो है उसके पास ट्विंस है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से कौन रोहन है कौन सोहन है कौन लव है कौन कुश है ये बात करी जा रही है तो क्या होता है तो कहने का मतलब दोनों सेम टू सेम लगना इसका मतलब क्या होता है जब चुनाव करने की बात आती है मेरे दोस्त तो फ्रॉम वन वन फ्रॉम द अदर का मतलब एक से लेके दूसरा ये तो किसी चीज को चूज करने की बात के लिए फ्रॉम वन फ्रॉम एनदर एक से दूसरा गलत है ईच अदर एक दूसरे से नहीं मेरे दोस्त यहां पे चूज करने की बात आती है विच यूज किया जाता है तो हु इज विच मतलब इनमें से कौन कौन है नाम ही कंफ्यूज हो जाती है कि ये कौन रोहन है कौन सोहन है पता चला आगे जाके कहीं बाहर में रोहन को ये टी शर्ट पहना के भेजे हैं मोहन को ये टी शर्ट पहना के भेजे हैं पता चला दोनों लोग क्या हो जाए बताइए आपस में टी शर्ट बदल दें और फिर आएगा मम्मा मम्मो कॉम बाबू है कि नहीं तो दिस इज लाइक तो आप क्या यूज करेंगे ऑप्शन डी कोई नहीं पहचान पाता है ट्विंस को अक्सर जो सेम टू सेम होते हैं आई ऑलवेज फॉल ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड मैं हमेशा अपने दोस्तों के सामने रहता हूं जो उनके परेशानियों के समय में उनकी आवश्यकता के समय में तो फॉल बैक ऑन हो जाएगा फॉल बैक ऑन का मतलब उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना किसी की सहायता के लिए क्या रहना तत्पर रहना या फिर हमेशा हमेशा के लिए क्या रहना उत्सुक रहना या फिर खड़े रहना तो क्या हो जाएगा आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड या ऐसे भी कह सकते हैं इनको इस तरीके से भी कह सकते हैं मैं हमेशा अपने पुराने दोस्तों को आवश्यकता के समय में बहुत दूर पाया क्या पाया बहुत दूर पाया ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं अगला बताइए इट इज डिजायरेबल टू टेक यह हमारी इच्छा है लेना क्या लेना जरा बताइए टेक रिस्क इन एनी बिजनेस इफ यू वॉन्ट टू तो मेक प्रॉफिट बहुत बढ़िया बेटा टेक रिस्क ही होगा उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता टेक एडवाइस टेक लोन टेक रिकॉर्स नहीं होगा बेटा टेक रिस्क अगर आपको कहते नहीं कि भाई सब देखिए नो रिस्क नो प्रॉफिट

तभी कुछ हो सकता है तभी आप उन्नति कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर सकते बात समझ पा रहे हैं कि नहीं तो रिस्क लेना ही तो क्या है कि इट इज डिजायरेबल टू टेक रिस्क इन एनी बिजनेस इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट यदि आप प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको बिजनेस में क्या लेना पड़ेगा रिस्क लेना पड़ेगा अगला द बॉय वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज बताइए गुड बिहेवियर प्लीजिंग बिहेवियर नहीं होता बेस्ट बिहेवियर नहीं होता नीट बिहेवियर नहीं होता गुड बिहेवियर होता है सिंपल वर्ड है ये सीजियल में पूछा गया क्वेश्चन है तो बताइए क्या है द बॉय वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज बिहेवियर मीन्स गुड बिहेवियर फॉर हिज गुड बिहेवियर इज दैट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल हैज बिकम बर्डन बर्डन अच्छा सॉरी पीपल हैव बिकम अंडर द बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेस तो ये बताइए जब हैवी टैक्सेस की बात होगी तो वह क्या हो जाएगा व्यक्ति परेशान हो जाएगा अधैर्यवान हो जाएगा जिसके अंदर कोई धैर्य नहीं होता वो हो जाएगा तो जरा बताइए क्या यूज करेंगे इसमें इसमें यूज करना है इम्पेसेंट Patience का मतलब क्या होता है इमर या आपे से बाहर हो जाना आइसोलेटेड का मतलब अलगाव Punished मतलब दंडित करना Fatig'd का मतलब होता है टायर्ड क्या होता है दोस्त टायर्ड थका हुआ Punished मतलब दंडित करना दंड देना है कि नहीं. आइसोलेटेड मतलब अलग करना आइसोलेशन में रखा जाता था कोरोना के समय में इसका मतलब उनको लोगों को क्या रखा जाता था दूर अलग 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 आइसोलेट किया जाता था है कि नहीं नेक्स्ट जरा बताइए आप सभी लोग द वर्कर यूज्ड बताइए द वर्कर यूज्ड अब जरा बताइए क्या यूज करेंगे क्यों यूज करेंगे टू पैच अप द होल इन वॉल अच्छा ये बताइए दोस्त इस दीवार में अगर कहीं होल है तो उसको आप किस से उस होल को भरेंगे जरा बताइए बालू से सैन मतलब बालू होता है बालू से सीमेंट जानते ही हैं। सोइल मतलब क्या होता है जरा बताइए सोइल मतलब मिट्टी ग्रास मतलब घास ये तो हो ही नहीं सकता सैंड ओनली सैंड से भरा ही नहीं जा सकता बचा कौन सा सोइल लेकिन पहली प्रायरिटी मेरे दोस्त कोई दीवाल है होल है उसके लिए अब हम लोग पैचअप करने की बात हो रही तो विदाउट सीमेंट की हेल्प से हम लोग नहीं भर सकते तो द वर्कर यूज सीमेंट टू पैचअप द होल इन दर्ल पैचअप द होल इन दर्ल्ड ठीक है जी मोर चिल्ड्रेन ग्रोविंग अप इन द इन अ वर्ल्ड सो इंक्रीजिंगली डाइवोर्स दैट स्टोक रेसियल दैट स्टोक रेसियल आइडेंटिटी आइडेंटिटीज नो लॉन्गर आइडेंटिटीज नो लॉन्गर जरा बताइए क्या करेंगे इसमें क्या करें मोर चिल्ड्रेन ग्रोविंग अप इन अ वर्ल्ड ज्यादातर बच्चे जो ग्रोविंग अप में हैं, बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं इन वर्ड संसार में सो so इंक्रीजिंगली वो सब भिन्न होते हैं दैट स्टोक रेसियल आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज नो लॉन्गर होल्ड अप, उन्हें कभी भी कोई भी बढ़ते हुए बच्चों को जो ग्रो कर रहे हैं उनको क्या दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है क्या नहीं नहीं नहीं। प्रकृति के अलावा भगवान भी नहीं रोक सकते उनको बढ़ने से है कि नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बी ऑप्शन स्पोकन यंग कांस्टेबल एक बहुत ही अच्छा बोलने वाला एक यंग कांस्टेबल अराइव्ड एट रिवर रिव्यू और रिवर रिव्यू पर आ पहुंचा विद अ वारंट एंड आस्ट और एक वारंट के साथ और पूछा If he might look over the boat, किसके ऊपर देखते हुए ध्यान देते हुए या फिर उसके ऊपर छापा मारते हुए किस पे ही माइट लुक ओवर द बोट किसके ऊपर छापा मारते हुए बोट के ऊपर कि तुम्हारा क्या गिरफ्तारी श्योर है कोई रोक नहीं सकता वी केम इन टू द थिएटर हम थिएटर में आए एट अबाउट टू फॉर अ टू फॉर अ रन थ्रू मैट केम इन एज वेल एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग विद हिज वॉइस और वह अपने वॉइस से क्या करेंगे मेरे दोस्त रन थ्रू क्या किया रन थ्रू मैट क्या होता है फॉर टू रन थ्रू से होकर गुजरना या के जरिए चलना किसी के जरिए चलना तो मेरे दोस्त इसमें कौन सा हो जाएगा रन थ्रू जेट नीड्स टू अर्जेंटली जेट को आवश्यकता है अर्जेंट में अर्जेंटली क्या है वर्क आउट इट्स कॉस्ट स्ट्रेटजी वॉर्म आउट बेटा किसी स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करते हैं तो उस पर हम मेहनत करते हैं उठते नहीं है टर्न डाउन उसको गिरा नहीं देते वार्म अप नहीं करते हैं बल्कि उस पर और मेहनत करते हैं स्ट्रैटी एज इट डेव इन फंड ऑपरेशन फॉर मोर देन टू मंथस मतलब अगर आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो दो महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए तो मेहनत की बात हो रही है किसकी बात हो रही है मेहनत की बात हो रही है किसी चीज पे फोकस करने की बात हो रही है प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम एंड नो कंफ्यूजन ऑप्शन ए. नेक्स्ट वर्ड इज कैमरॉन बॉर्थविक जैक्शन होप्स टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम क्या करने के लिए जो बीते हुए समय है या जो समय बीत जा बीता जा चुका है बीत चुका है उसे वापस लाया जा सके गेट बैक टू हिज एज द मैनचेस्टर यूनाइटेड लेफ्ट बैट बिगिन Season long, long to. मेरे दोस्त get back, जो समय बीत गया है, उसको वापस लाने की बात हो रही है तो उसके लिए हम लोग गेट अप नहीं होता गेट अप मतलब उठना होता है गेट बैक एट होता ही नहीं ये गलत है ये कोई वर्ड ही नहीं होता है गेट बैक टू होता है मेरे दोस्त गेट बैक टू मतलब वापस ले आना गेट अलोंग का मतलब किसी के साथ साथ चल पड़ना ऑफ द आर्गुमेंट ब्यूटीफुल ऑफ ना नाउन आना चाहिए क्योंकि इधर नाउन है तो इसके पहले भी नाउन आना चाहिए एक ही नाउन है वो है ब्यूटी द ब्यूटी ऑफ द आर्गुमेंट आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्गुमेंट ब्यूटीफुल गलत है ब्यूटीफुली गलत है ब्यूटीफिकेशन गलत है नाउन सही हो जाएगा सी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सी अगला द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन जरा बता दीजिए वन पॉइंट ओनली क्या करेंगे वेंट ऑन पहला नंबर सभी आप समझेंगे वेंट ऑन डिवोटिंग वन पॉइंट ओनली बहुत बढ़िया डिवोट हो जाएगा बेटा क्यों क्योंकि वो अपने पॉइंट को क्या कर रहा है निर्देशित कर रहा है पॉइंट आउट कर रहा है तो उसके लिए डिवोट करेंगे हम लोग ठीक है अगला बताइए एज ही प्रूव्ड इन इफिशियंट द कंपनी द कंपनी हिम अच्छा अच्छा एज ही प्रूव जैसा कि उसने प्रूव कर दिया इन क्या द कंपनी कंपनी की अकुशलता क्या हो जाएगा एक्सपेल्ड हिम की मतलब उसको क्या करे और आगे बढ़ाए या फिर और उसको डेवलप करे क्या करे डेवलप करे रिजेक्टेड मतलब क्या करना होता है इलेक्टेड मतलब चुनाव करना Evicted का मतलब बदनाम करना रिजेक्टेड मतलब होता है क्या कर देना छोड़ देना त्याग देना ऑप्शन एक्सपेल्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना या फिर बड़ा करना कंपनी को बड़े करने के यू मस्ट रिफ्रेन सच एन एक्ट आपको इस तरीके के एक्ट से क्या करना चाहिए परहेज करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए ऐसे कार्य करने से बोलो हां की ना जरा सोच के बताइए आप लोग खूब सोच समझ के बताइए इसमें क्या होगा बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है मेरे दोस्त जब आप अलग होने की बात करते हैं अलग अलग की बात करते हैं तो बेटा उसके लिए हमेशा फ्रॉम की बात करी जाती है रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना क्या करना परहेज करना तो उसके लिए टू नहीं होगा उसके लिए एक्ट नहीं होगा उसके लिए विद नहीं होगा उसके लिए बस एक ही वर्ड होगा रिफ्रेन फ्रॉम अबस्टेन फ्रॉम प्रिवेंट फ्रॉम जैसे ही प्रिवेंटेड ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर फ्रॉम गोइंग देयर ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग क्या कर दिया मेरे दोस्त जरा बता दीजिए उसने मुझे वहां जाने से मना कर दिया कर दिया। मतलब होता है मना करना। क्या करना? क्या मना कर देना तो जरा बताइए प्रिवेंट के साथ में क्या यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त फ्रॉम अब इसी का एक सिनोनिम्स होता है अबस्टेन मतलब होता है परहेज करना क्या करना दोस्त परहेज करना अबस्टीन, अबस्टीन मतलब परहेज करना तो जरा आप सभी लोग बता दीजिए इसके साथ भी हमेशा क्या आएगा फ्रॉम जितने भी अलगाव की बात आती है इसीलिए कहा जाता है ही जम्प फ्रॉम द नाइन्थ फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग वह इस बिल्डिंग के नौवे महले से कूद गया तो फ्रॉम नाइन्थ फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग मेरे दोस्त फॉर्म यूज कर रहे हैं देयर इज तो जब किसी चीज से अलगाव की बात आती है तो उसके लिए फॉर्म लगाते हैं रिफ्रेन मतलब भी होता है परहेज करना या फिर छोड़ देना उसके लिए भी फ्रॉर्म का ही यूज किया जाएगा कैट हैज विद अ फेलियर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थाइस कैथ ने एक ऐसे बंदे से मिला जो इंग्लिश के ही सब्जेक्ट में तीन बार फेल हो चुका है कितनी बार तीन बार तो कैथ के साथ में हैज आएगा हैज के बाद क्रिया के थर्ड फॉर्म कॉट पकड़ेगा नहीं गॉन जाएगा नहीं गॉड पाएगा नहीं बल्कि वह व्यक्ति है तो व्यक्ति व्यक्ति से मिलता है मेट विद अलियर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस ठीक है जी Our company has invested a huge. चाली Our company has invested a, invested a huge. चाली Our company has invested a, invested a huge amount in running हो ही नहीं सकता. Moderning, modernizing इसका मतलब आधुनिक बनाना ना 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 ना. Selling, बेचना नहीं. क्या होगा establishing अमाउंट इन स्टैब्लिशिंग द आउटडेटेड यूनिट मतलब जो पुरानी यूनिट होती है आउटडेटेड मतलब अप्रचलित होता है जो अप्रचलित यूनिट होता है उसमें किसी चीज को बनाने के लिए बोलो जी हाँ की ना हाँ की ना ठीक है जी सो जरा बताइए इसमें हो गया ऑप्शन डी अगला बता दीजिए आप सभी लोग द स्ट्रीट आर लाइटेड फिर से वही गलती आ गई जहां पे पैसिव वॉइस आता है पैसिव वॉइस आता है बेटा उसमें बाई का यूज करते हैं विद गायब एन गायब इन गायब क्या होगा बताइए बोलिए बाई क्या होगा बाई ओके आफ्टर मिसिंग फोर डेज ऑफ स्कूल ड्यू टू आ ड्यू टू आय ड्यू टू अबाउट आ अबाउट गलत हो गया आ अमाउंट a अमाउंट amount, amount होना चाहिए आ एरी एरी का मतलब होता है दायरा इसमें बाउट वर्ड यूज कर दिया जाएगा बाउट ऑफ फ्लू मतलब असर जिसे कहते हैं बाउट मतलब होता है असर सो अबाउट ऑफ फ्लू बबीता स्ट्रगल्ड टू मेक फॉर हर मिसिंग वर्क मतलब जो भी उसको मतलब इसका मतलब क्या होता है कि किसके कारण से ड्यू टू बाउट ऑफ मतलब फ्लू से ग्रसित होने के कारण तो एक तरह से ये क्या है ग्रसित होना या बीमार होना परेशान होना ये भी होता है बाउट का मतलब तो बबिता अब स्ट्रगल कर रही क्या अपने जो मिसिंग डेज का कार्य था उसको पूरा करने के लिए आई हैव इन माई एल्बम फोटोग्राफ्स ऑफ समाई वेरी क्लोज फ्रेंड्स कुछ मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स तो मेरे दोस्त जब इधर नाउन आता है जिसको का अर्थ देता है तो वहां ना दर्ट लगाते हैं ना हु लगाते ना विच लगाते हैं बस एक ही शब्द है देख लीजिए कैसे आई हैव इन माई एल्बम फोटोग्राफ्स ऑफ सम ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स मेरे कुछ बहुत ही क्लोज दोस्त न नेवर फॉगेट चीन जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते जिसको या जिससे तो जिसको का अर्थ होम होता है दोस्त विच थिंग्स के लिए आता है दैट थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए आता है लेकिन स्पेशल कंडीशन में हु तब आता है जब आगे सब्जेक्ट होता हैल्पिंग वब होता है यहां सब्जेक्ट है हुम और जिसको का अर्थ देगा तो होम ही आएगा आई हैव लिटिल टाइम सो आई कैन टेल यू ओनली हाय है, है मेरे पास ना के बराबर है समय इसीलिए मैं आपको बड़े संक्षिप्त में बता सकता हूं बहुत बड़े पैमाने पर नहीं बहुत संक्षिप्त में ही बता सकता हूं इस बात को आप याद रखिएगा कि बता सकते हैं संक्षिप्त में बता सकता हूं तो जरा बताइए शॉर्टली नहीं होगा मेरे दोस्त ब्रीफली हो जाएगा ब्रीफली जब हम कोई बात बताते हैं किसी को कहानीनुमा शॉर्ट में कोई स्टोरी बताते हैं तो उसके लिए शॉर्टली का वर्ड नहीं यूज करते ब्रीफली करते कहते नहीं अक्सर लोग जब आप किसी भी किसी भी आप प्रोग्राम में गए हैं किसी भी आप सेमिनार में गए हुए हैं तो कहते अच्छा, हैं आपका जो आ, आ, क्या है जो आप बना के लेके आए हैं अपना प्रेजेंटेशन उसका ब्रीफ एक बार आप कर दीजिए जो प्रेजेंटेशन आप बना के ले आए हैं उसकी एक बार ब्रीफिंग कर दीजिए तो वही ब्रीफली है संक्षिप्त में बता दीजिए छोटे से ठीक है ना अगला बोर्ड देखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा ब्रीफली अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल्स कंपनीज आर नाउ प्लानिंग टू डेवलप प्लानिंग टू डेवलप ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी स्वायत्त स्वयं से कैसे स्वयं से मतलब ऐसी जो स्वयं से चलाई जा सके कैसे स्वयं से चलाया जा सके तो बताइए होगा ऑप्शन ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त मैनुअल तो आप जानते हैं मैनुअली इट इज वर्किंग इनक्रेडिबल अतुल विच कॉन्ट बी बिलीव्ड क्रेडिबल विच कैन बी बिलीव्ड है कि नहीं तो ऑटोनॉमस हो गया अगला

यहां पे हैविंग हर्ड नहीं हो सकता क्योंकि रिपोर्टेड के साथ सवारे यार ऐसे ही देख ले रिपोर्टेड के साथ प्रेपोजिशन टू आता है अगर किसी और को जोड़ना होता है तो प्रेपोजिशन टू मात्र एक ही में आ रहा है ऑप्शन सी में ऐसे ही समझ लीजिए रिपोर्ट के साथ में जीरो नहीं आता रिपोर्ट के साथ इंफिनिटिव आता है तो टू हैव हर्ड टू हैव हर्ड इज दैट क्लियर ऑप्शन सी मेनी पीपल रिपोर्टेड टू हैव हर्ड नॉइज इन द नाइट we have to plant more trees can save our uh, we have to plant more trees हम लोगों को बहुत से trees को क्या है जरा बताइए लगाना है has have to लगाना है ताकि we can save our environment from the evils of pollution ताकि जो पॉल्यूशन से हमें अपने इनवायरमेंट को बचाया जा सके ताकि हम बचा सके तो सो दैट सो एज सिंस एज सो सच दैट गलत 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 सो so मतलब ताकि होता है और यहां ताकि का ही अर्थ दे रहा है सो ऑप्शन डी विल बी हंड्रेड परसेंट सुटेबल इज दैट एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम एंड नो कंफ्यूजन अगला बताइए स्टोरी इज बिटर एंटागोनिस्टिक्स एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट फिल्ट सच ग्रेट मेलवोलेंस फॉर क्योंकि फॉर इंसर्जेंस के साथ भी नहीं आता रेसिप्रोकेशन के साथ भी नहीं आता डिक्लेर डिक्लेमेशन के साथ भी नहीं आता सिर्फ और सिर्फ मेलवोलेंस के साथ आता है मेलवोलेंस ऑल ऑफ द

इता, जब सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव ऑप्शन डी हंड्रेड परसेंट करेक्ट लो भाई साहब आप तो ढूंढते ही रहे गुरु जी जय का है गो हम तो समझ ही ना पाए जय मैटर का चल रो है मैटर वही चल रहा है जो मैं बता रहा हूं बताइए 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 क्या चल रहा है वही क्या अरे 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 हरे अरे हरे अरे हीट दिया है यहाँ नीड होना चाहिए नीड नीड दे क्या होना चाहिए नीड दे बिकॉज मेरे दोस्त ये बताइए नीड यहां पे आपका क्या है हेल्पिंग तो जब नीड हेल्पिंग वर्ब है नॉट है तो ओनली नीड दे आ जाएगा और सब सही है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ दे है यहां ईट है गलत हो गया ईट है गलत हो गया ईट हो गया गलत चाहे जिस एंगल से देखेंगे हर एंगल से गलत होगा क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वही क्वेश्चन टैग में होता है वी द डेंजर्स मेरे दोस्त जब आप किसी को किसी चीज से वार्निंग देते हैं ना या वार्निंग देते हैं या उसके विरुद्ध कार्य करते हैं विरुद्ध जाते हैं उसके लिए हमेशा अगेंस्ट का यूज करते हैं दोस्त तो वॉर्न के साथ क्या करेंगे वी वॉन्ट हर अगेंस्ट डेंजर हम लोग डेंजर डेंजर के बारे में उसको हम लोग क्या कर चुके हैं वार्न कर चुके हैं या वार्न कर दिए थे रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के रिसर्चर्स ने हैव कम अप नई चीजों वेज टू यूटिलाइज नई चीजों को यूटिलाइज या नए तरीके से यूटिलाइज करना द प्लास्टिक वेस्टेज दैट कांट बी दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड फर्दर और आर रिसबल रिसाइकेबल ठीक है जी तो अब जरा मेरे दोस्त बताइए इनोवेटिव हो जाएगा क्यों दोस्त ये वेज एक नाउन है क्रिमिनल वेज कैसे होगा भैया वंडरफुल वेज नहीं होगा मल्टीपल वेज नहीं होगा बल्कि इनोवेटिव वेज हो जाएगा कैसे नए तरीके से कुछ ही दिनों में अभी कुछ इंजीनियर्स ने ऐसा किया कि अब ये जो पॉलिथीन होती है इसको रिसाइकल करके इसको इसे क्या बनाया जाएगा जरा बताइए इसे बनाया जाएगा आप लोगों का वो क्या नाम है कि बिजली बनाई जाएगी और बहुत सारी चीजें और रोड रोड्स बनाई जाएंगी अभी अभी कुछ ही दिनों पहले द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था कि इससे रोड्स बनाई जाएंगी इसको यूज कर लिया जाएगा क्योंकि तो प्लास्टिक समाप्त होने वाली तो होती नहीं है तो इनको अगर उसमें यूज कर लेंगे किसमें रोड्स में तो रोड्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगी जो टायर्स वगैरह होते हैं वो क्या नाम है टायर्स जो जल्दी घिस जाते हैं जो जल्दी वो हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं वो जल्दी नहीं खत्म होंगे तो बहुत सारी तरीके से इनोवेटिव तरीके से नए तरीके से उसको यूज कर रहे हैं कैंडिडेट एक्सपोजिशन वॉज एक्सपोजिशन वॉज रिमार्केबल फॉर ब्रेविटी एंड क्लैरिटी उनकी ब्रेविटी और उनकी क्लैरिटी से तो उसमें रिमार्केबल ही होगा मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन देना कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सिकुअस और इनकॉम्प्रिहेंसेबल तो बताइए मेरे दोस्त कौन सा होना चाहिए ऑप्शन डी एज द बीयर mountains टर्न ग्रीन द पीपल फाउंड द पीपल फाउंड दम जरा बताइए पीपल है के साथ मेरे दोस्त दे नहीं आएगा दियर नहीं आएगा दियर के बाद कोई ना कोई ना होना चाहिए लेकिन यहां पे स्वयं के बारे में बात हो रही पीपल फाउंड देम सेल्फ लोग स्वयं को पाते हैं पीपल फाउंड देम सेल्फ स्वयं को पाते हैं क्या पाते हैं themselves हो जाएगा स्वयं ही लुकिंग फॉरवर्ड टू मेरे दोस्त स्प्रिंग का स्प्रिंगिंग कर दीजिए क्यों क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्रिया की आई एनजी फॉर्म होता है यह एरर है अंडरलाइन नहीं है लेकिन फिर भी सही कर लीजिए शेक्सपियर प्रोलिफिक राइटर बहुत ही कुशल हर तरीके से अच्छा लिखने वाला राइटर इंटरटेन ऑडियंसिस बाय राइटिंग मेनी ट्रेजिक एंड कॉमिक प्लेज और बहुत अच्छे तरीके से प्रोलिफिक तरीके से एक प्रोलिफिक राइटर है इसीलिए वो ट्रेजिक से भी और कॉमिक से भी ट्रेजिक ट्रेजिडी वाले जिसमें हीरो एक्टर एक्ट्रेसेस लास्ट में मर जाते हैं कॉमिक जो होता है रोमांटिक जो होता है उसमें सब रह जाते हैं उसमें कोई मरता नहीं है तो प्रोलिफिक विल बी best obstinate मतलब बाधा पहुंचाना न्यूमेरिक मतलब नंबर में ड्यूटीफुल का मतलब कर्तव्य निष्ठा से प्रोलिफिक का मतलब बहुत अच्छा या कुशल आई एज्यूम मैं कल्पना करता हूं आई एज्यूम दैट एवरी वन एग्रीज विद मी मैं कल्पना करता हूं कि सब के सब लोग मुझसे क्या है जरा बताइए सहमत है सहमत है क्योंकि हेबिचुअल के बारे बातें या इमेजिनेशन वाली बातें हमेशा प्रेजेंट इन टेंस में होता है माय फ्रेंड्स फादर डाइड ऑफ मेरे दोस्त मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डाई के साथ ऑफ भी होता है डाई के साथ फ्रॉम भी होता है डाई के साथ इन भी होता है डाई के साथ फॉर भी होता है लेकिन जब आप किसी डिजीज से मरते हैं तो डिजीज के लिए हमेशा हम लोग ऑफ का यूज करते हैं जब किसी रीजन से मरते हैं तो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं जब किसी जब एक्सीडेंट से मरते हैं तो हम लोग इन का यूज करते हैं तो क्या है माई फ्रेंड्स फादर डाइड ऑफ कैंसर डिजीज कैंसर ये आई नहीं होगा यहां आई नहीं ये आई गलत हो गया है यहां पे क्या यूज करेंगे ऑफ क्योंकि कैंसर एक डिजीज है और डिजीज के लिए हमेशा हम लोग ऑफ का यूज करेंगे जब कोई किसी एक्सीडेंट से मरे तो इन हो जाता है जब कोई भी बंदा किसी रीजन से मर जाता है किसे हंगर से भूखमरी से मर जाए भूख से मर जाए पानी से मर जाए तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं बाई का यूज किसी कंट्री के लिए जो शहीद होता है उसके लिए यूज करते हैं द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी डू नॉट वॉन्ट द फ्लोरा एंड फोना फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट मतलब जो फाना एंड फ्लोरा है वो सारी चीजें विलुप्त हो जाए तो जो फॉरेस्ट रेन है वह हमेशा हम लोगों को बचा के रखना चाहिए प्रिजर्विंग होना चाहिए प्रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है संरक्षित करना रिजर्व करना संरक्षित करना होता है तो संरक्षित करना प्रिजर्विंग हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त प्रिजर्विंग हो जाएगा ठीक है अगला द सस्पेक्ट वॉज टेकन टू द पुलिस जो सस्पेक्ट था उसको पुलिस ले गई थी बट द इंटेरोगेशन रिवील्ड नथिंग लेकिन पूछताछ में कुछ भी नहीं प्रतीत हुआ कुछ भी नहीं उजागर हुआ रिवील्ड का मतलब होता उजागर होना इंटरोगेशन मतलब पूछताछ इन्वेस्टिगेशन

जब कोई व्यक्ति मरता है तो निश्चित समय होता होगा चाहे जो समय जैसे किस कबिंशन में वो निश्चित ही समय होगा उसके बाद वो तीन चार बार नहीं मरता है कि एक बार मरा है कल और एक बार मरेगा नहीं तो जो निश्चित होता है मेरे दोस्त उसके लिए हमेशा सिंध का यूज करते हैं हिज नॉवेल्स आर वेरी पॉपुलर उसके नॉवेल्स बहुत ही पॉपुलर है दे आर बींग बहुत सारी भाषाओं में क्या किया जाएगा रिसाइटेड किया जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड किया जाएगा या फिर सोल्ड किया जाएगा या फिर ट्रांसलेटेड किया जाता है मेरे बच्चों हमेशा कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है अनुवाद किया जाता है ठीक है जी स्मोक फ्रॉम फायरस आग से जो स्मोक्स निकलता है ड्रिफ्ट इन टू द एनसीआर वाइल द एयर बिकम्स स्टिल एंड हैवी एज द वेदर टर्न कोल्डर देन बिफोर जो ये जो फायर जो आग की जो धुआं होता है ये जो निकलता है इससे चारों तरफ बहुत अजीब सी कंडीशन हो जाया करती है तो उसके लिए यूज कर रहा है यहां पर ड्रिफ्ट होता है उठना होता है ड्रिफ्ट मतलब उठना जो धुआं उठना होता है वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट सुटेबल इन्वायरमेंट बिना सुटेबल पर्यावरण के हम लोग जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं लिव वी कैन नॉट लिव ऑफ लाइफ विदाउट सुटेबल लिव गलत हो गया बाई गलत हो गया स्ट्रैक्ट गलत हो गया क्या होना चाहिए थिंक हम सोच बिना पर्यावरण के वास्तव में हम लोग अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते कि हमारा जीवन कैसा होगा समझ में आई अगला देखिए मेनी पीपल रिगार्डेड ऑफिस पार्टीज एज अपॉर्चुनिटीज टू एडवोकेट मतलब सहायता करना एग्जिबिट मतलब दिखाना इंटेंट ए अनविंड अपॉर्चुनिटीज टू अनविंड मतलब जिसे जिसे आप कभी बांध नहीं सकते जिसे आप कभी रोक नहीं सकते ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है पार्टीज के हम लोग जाना चाहिए बहुत से लोग मिलते हैं अच्छा लगता है गांधी बिल इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेट गो डाउन मतलब जाने जाएंगे गांधी विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव अभी तक जो है तो गो डाउन मतलब होता है जाने जाना या फिर पहचाना जाना अगला टूडे स्टूडेंट्स के साथ fixed preposition होता है to the way things are changing. तो क्या होना चाहिए रिकॉन्सिल्ड का मतलब होता है काउंसलिंग होता है ना काउंसलिंग तो मेरा मेरे भाई कहने का मतलब दोबारा उनके बारे में उनको परिचित कराना क्या कराना परिचित कराना तो क्या हो जाएगा इसमें टू वर्ड यूज करेंगे रिकॉन्सिल्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है टू बहुत सारे ऐसे जो आपका फिल इन ब्लैंक्स होगा उसमें प्रीपोजिशनल वर्ड ज्यादा आता है द रॉकेट द टारगेट एंड डिड नॉट कॉज एनी कैजुअलिटी अच्छा जी सेंसड रीज्ड मिस्ड एक्सप्लोडेड आय हाय है जब इधर निगेटिव आ गया इसका मतलब वो रॉकेट मिस हो गई रॉकेट मिस द टारगेट एंड डिड नॉट कॉज एनी कैजुअलिटी और क्या कारण है यह अभी तक नहीं पता चल पाया है तो क्या होना चाहिए ऑप्शन सी विल बी सुटेबल ठीक है जी अगला वर्ड बताइए द सोल्जर्स रिसीव्ड अ मिलिट्री अध्यादेश मैंडेट द सोल्जर्स रिसीव अ मिलिट्री मैंडे मैंडेट टू इंस्पेक्ट ऑल their vehicles बिफोर ट्रेवलिंग मतलब ट्रेवल करने से पहले सबसे पहले अपनी जो जिससे आप ट्रेवल करते हैं उसको ध्यानपूर्वक जांच पढ़ता, जांच पड़ताल करें कि कहीं ऐसा तो नहीं उसमें बम हो या कोई चीज हो तो उसके लिए क्या होगा मैंडेट हो जाएगा ऑप्शन डी हिज फादर बिल्ट हिम अप नहीं होगा इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस लगाया नहीं उनको लगा देते हैं मतलब कि क्षेत्र में भेजना तो क्षेत्र में भेजना के लिए सेट अप होता है कॉन्स्ट्रक्शन बिजनेस किस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन बिजनेस के क्षेत्र में उनको क्या कर दिए सेट अप कर दिए सी है See, hadn't. इसका मतलब उधर वुड होगा क्या होना चाहिए वुड चाहिए या फिर क्या होना चाहिए कोई बात नहीं वुड हैब की बात ही नहीं हो रही है तो शी हैडंट ईटन ऑल डे वो पूरे दिन नहीं खाई एंड बाय द टाइम रोस वसी गॉट होम और घर पहुंची शी वाज रेवनस मतलब वो एकदम से थक चुकी थी या फिर भूखी थी एकदम भूख से तड़प रही थी क्योंकि दिल भरवा खाना नहीं खाई थी ठीक है रेवनस मतलब भूखा होना स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरैडिकेटेड देखिए इरेडिकेटेड इंडिया जब कोई चीज कहीं से नस्ताबूत करके हटा देंगे तो उससे अलगाव हुआ कि नहीं जब उससे अलगाव हो रहा है मेरे दोस्त तो अलगाव के लिए हमेशा हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं फ्रॉम का यूज करते हैं तो इसमें यूज कर दिया जाएगा फ्रॉम सो आप बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया इरेडिकेटेड मतलब समाप्त कर दिया जाना खत्म कर दिया जाना गोपाल क्लियरली द क्वेश्चन पोज टू हिम हा पेरीड पेरीड मतलब होता है एक एक करके ले आना और उसका जवाब दे देना तो पेरीड विल बी सुटेबल रिफ्यूज मतलब इनकार करना डिनाइड मतलब इनकार करना एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है जी अगला आई फील्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ मैं अपने ऊपर स्वयं के ऊपर बहुत गर्व करता हूं प्राउड के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं आई एम प्राउड ऑफ इंडिया आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री होते हैं ना ऑफ लगाते हैं फेसियल एक्सप्रेशन मतलब फेस का एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज मेनी टाइम्स डो नॉट डिस्प्ले कई बार नहीं डिस्प्ले कर पाता है द कोवर्ट फीलिंग ऑफ अ मैन वास्तविक फीलिंग एक आदमी की वास्तविक फीलिंग को नहीं एक्सप्रेस कर पाता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा कोवर्ट मतलब होता है व्यक्त करना क्या करना व्यक्त करना ठीक है जी इफ योर चाइल्ड हैज नॉट मेट द वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स ही और सी विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड पब्लिक स्कूल जरा बताइए मेरे दोस्त क्या कह रहा है विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन की आवश्यकता है बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो क्या कर देंगे कंपलसरी विल बी हियर क्या होगा द कंपल्सरी वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट ही और सी विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द पब्लिक स्कूल माई सिस्टर एंड बेटा जब ये सब्जेक्ट है तो अगला भी सब्जेक्ट आना चाहिए ये ऑब्जेक्ट ये रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन शुड बी माय सिस्टर एंड आई आर आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन। और बेटा ये थर्ड पर्सन इसलिए पहले आ रही है आई फर्स्ट पर्सन इसलिए बाद में आ रहा है सो so, ऑप्शन एकदम सही है ए कुछ सुटेबल होगा इस सेंटेंस के लिए ही कैमरा वो अपने कैमरे को टेबल पर रख देती रख दिया तो जरा बताइए लेड होता है ले लेड लेड का मतलब होता है रख देना क्या कर देना रखना तो रखने के लिए हम लोग लेड का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं लेड का अगला बताइए आई ऑब्सल्यूटली रिफ्यूज टू पुट अप विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट पुट अप विद मतलब कि आई ओनली आई ऑब्सोलूटली रिफ्यूज टू पुट अप विद दैट मतलब उस चीज से क्या हो जाना इनकार कर देना कि ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है अगला बताइए करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस हिंड्रेंस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है उसमें कोई फालतू की बातें नहीं करनी होती है हिंड्रेंस के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं किसका टू का यूज करते हैं टू द नेशन इज नेशंस डेवलपमेंट टू टू विल बी हिंड्रेंस के साथ में भगवान के वास्ते बोलते ना डोंट टेल इट टू अदर्स भगवान के वास्ते किसी को मत बताओ तो क्या करते हैं फॉर गॉड से कहते हैं या फिर फॉर हेवेंस से करते हैं सेक एक नाउन है तो हेवेंस एपोस्टोफी एस वाला सही होगा फॉर हेवेंस सेक डोंट टेल इट टू अदर्स भगवान के वास्ते इस बात को किसी और को मत बताइएगा बताइए तो बात समझ में आ गई कि नहीं क्लियर हो गई तो मेरे दोस्त ये रहे आपके 60 क्वेश्चन देख लीजिए आज हम लोग इस, इसको 60 क्वेश्चन किए हैं जो कि इसमें ज्यादातर फिक्सोजिशन थे इसलिए जल्दी हो गया 60 क्वेश्चन नियर अबाउट 50 मिनट्स में कितने में 50 मिनट्स में ठीक है दोस्त तो आज की क्लास को बस यहीं पे फिनिश करते हैं तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू यू जय जय हिंद भारत थैंक सो मच